नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी कि टीडीपी ने अपने 16 सांसदों के साथ में भाजपा को संसद के अंदर जबरदस्त झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से कि टीडीपी ने कैसे यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ा है। इतना ही नहीं दोस्तों, चौंकाने वाली खबर आ रही है, उपचुनाव के नतीजे जारी हुए हैं जिसमें भाजपा की जमानत जब्त हो गई है। यूपी के अंदर से खबर आ रही है दोस्तों, ये भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके हर खबर आप तक दोस्तों पहुंचाएंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #support राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, संसद में टीडीपी ने छोड़ा है बीजेपी का साथ और इंडिया गठबंधन भी जबरदस्त तरीके से हमलावर। 10 साल में पहली बार हुआ है ऐसा, मोदी सरकार का अटका है कोई बिल, लगा है झटका, झुकी है सरकार, जेपीसी में भेजा गया वक्फ विधेयक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित एक विधेयक यहाँ पर लोकसभा में पेश किया था, लेकिन सदन में विपक्षी दलों के भारी विरोध को देखते हुए इसे जेपीसी के पास में भेजने का फैसला किया गया है। दोस्तों बताते चलें कि इंडिया गठबंधन और टीडीपी के दबाव के कारण केंद्र सरकार वक्फ बिल पास नहीं करवा पाई है। सरकार अब यहां पर अपनी मनमानी नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है। टीडीपी के 16 एमपी के समर्थन से केंद्र सरकार चल रही है। टीडीपी वक्फ के झमेले में पड़ना नहीं चाहती है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है। अभी ऐसा ही चलेगा, बीजेपी को झटके लगते रहेंगे। जेडीयू भी पूरी तरह से सहज नजर नहीं आ रही है इस मामले को लेकर के। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि टीडीपी ने सबसे बड़ा झटका संसद के अंदर दिया है केंद्र की यहाँ पर एनडीए सरकार को ही दोस्तों। और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस मुद्दे में इंडिया गठबंधन के साथ में टीडीपी खड़ी नजर आ रही है। दोस्तों अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर लोकसभा में हार के बाद मायावती को मिली संजीवनी। बसपा ने जीता है उपचुनाव और बीजेपी की जमानत हो गई है जब्त। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले अंबेडकर नगर जिले की कटहरी प्रथम जिला पंचायत की सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी ने जीत दर्ज की है। बताते चले, सीट पर हुए उपचुनाव में मतगणना के दौरान बसपा समर्थित प्रत्याशी दीप लता उर्फ टिम्पल शुरू से ही आगे रही और उन्हें जीत मिली है। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए यह जीत संजीवनी की तरह देखी जा रही है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहाँ पर बीएसपी ने ये उपचुनाव जीत लिया है जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन यहां पर भाजपा की तो जमानत ही जब्त हो गई है। भाजपा की स्थिति इस उपचुनाव में काफी खराब नजर आई है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो यूपी के अंदर भाजपा की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है और एक एक करके सारे चुनाव बीजेपी अब हारने लगी है दोस्तों। और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें भी भाजपा एक या दो ही सीटें मुश्किल से जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी को लेकर के यूपी की जनता में जबरदस्त नाराजगी है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी करेगी भाजपा को बेनकाब, कैंपेन से घर घर उजागर करेगी बीजेपी सरकार की नाकामियां। जी हां दोस्तों, यूथ कांग्रेस ने हरियाणा में भाजपा सरकार के खिलाफ में भाजपा हरियाणा छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न इलाकों में घर घर जाकर के लोगों को भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगे और उनका उद्देश्य है कि लोगों को सरकार की विफलताओं से अवगत करवाया जाए ताकि आगामी चुनावों में जनता भाजपा को बिल्कुल भी वोट ना दे।
इस कैंपेन के जरिए यूथ कांग्रेस यह बताने का प्रयास कर रही है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, कृषि संकट जैसी समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। इसके अलावा सरकार पर किसानों और युवाओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया जा रहा है। राज्य के अंदर भाजपा की स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। भाजपा बैकफुट पर है और एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के चुनाव में देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी से मिलने आए मछुआरों को संसद में नहीं मिली एंट्री, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बाहर रिसेप्शन में ही उनसे कर ली है मुलाकात। दोस्तों, बताते चलें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे मछुआरों और राइट टू फूड संगठन के डेलीगेशन को संसद के अंदर जाने का पास नहीं दिया गया, जिसके बाद में इस मुलाकात के लिए राहुल गांधी को संसद के रिसेप्शन पर आना पड़ा। नेता विपक्ष ने संसद के बाहर आकर के रिसेप्शन एरिया में मछुआरों और राइट टू फूड डेलीगेशन के सदस्यों से अलग अलग मुलाकात की है। दोस्तों, बताते चलें लगातार यहां पर कई लोगों से राहुल गांधी संसद के अंदर मुलाकात कर रहे हैं, कभी किसानों से, कभी मछुआरों से। यही बात यहां पर भाजपा सरकार को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए देख सकते हैं कि आम लोगों को संसद के अंदर जाने तक का पास नहीं मिल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है भाजपा को और कहा है कि क्या मछुआरों को संसद के अंदर जाने से यहां पर भाजपा ने किस कारण रोका है, ये बताना चाहिए। क्या वे संसद के अंदर नहीं जा सकते हैं? संसद के अंदर क्या मोदी के सिर्फ अमीर मित्र ही जा सकते हैं? ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कांग्रेस के अध्यक्ष ने झारखंड के नेताओं के साथ में की है बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, फिर बनाएंगे झारखंड में अपनी सरकार। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रणनीति बनाने में जुटा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की रणनीति को सफल बनाने में सभी नेता यहां पर जुट जाएं और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगा और एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगा, जनता की सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। दोस्तों, इसके साथ ही यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से सामने निकल के, जहां पर डील डन होती हुई नजर आ रही है एमबीए के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बताते चले सूत्रों ने बड़ा दावा किया है कि उद्धव ठाकरे सीएम चेहरा हो सकते हैं, कांग्रेस के पास में सरकार की चाबी हो सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन समय पर हर तैयारी पूरी कर लेना चाहता है। इसी क्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं से मुलाकात की है। और वहीं आप लोगों को बताते चले आप लोगों को यहां पर कि इस दौरे में सबसे अहम बात है कि उन्होंने गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के साथ में एक बड़ी डील भी कर ली है, जिसका यहां पर सूत्रों ने दावा किया है। दोस्तों, बताते चले कि इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक के बारे में जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रोड मैप तय कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सीट बंटवारे से लेकर के मुख्यमंत्री के चेहरे तक पर तीनों दलों के बीच में लगभग सहमति बन गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि महाविकास आघाड़ी की ओर से एक बार फिर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। एकजुट होकर के एमबीए महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनना तय है। इस समय के दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जरूर ही पहुंचाइएगा और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।